नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका MS ज्ञान 2 यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की जो कहानी है वो है आत्मनिर्भर होना। कोई भी इंसान आत्मनिर्भर कैसे हो या फिर उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, इस बारे में आज की कहानी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा अक्सर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए वेश बदल कर जाया करते थे। एक बार राजा गांव से होकर जा रहे थे, तभी सामने उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। राजा उसके पास जाकर कहते हैं, तुम इतने बूढ़े होकर इन लकड़ियों का बोझ क्यों उठा रहे हो? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए यह काम कर रहा हूँ। राजा कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ के राजा गरीब और बेसहारा लोगों को धन देकर मदद करते हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छी तरह मालूम है, परंतु जब तक मेरे हाथों में जान है, मेरे शरीर में शक्ति है, तो फिर मैं दूसरों पर निर्भर क्यों रहूं? राजा यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, काश तुम्हारी तरह और भी लोग होते तो राजा की आधी चिंता दूर हो जाती, जिससे हमारा राज्य निश्चित ही तरक्की करता। तो आत्मनिर्भर होना व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। आत्मनिर्भर व्यक्ति बिना डरे जीता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद लेने के बजाय दूसरों की मदद करता है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो जब भी आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।